नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हामिद सैफी। दोस्तों, यूपी के ग्रेटर नोएडा से रिश्तों को तार तार करने वाली एक घटना सामने आई है। आज ग्रेटर नोएडा की दादरी पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। एक पति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि पत्नी के कहने पर उसके प्रेमी ने पति को शराब पिलाकर बेसुध कर दिया और उसके बाद उसका गला घोटकर हत्या कर दी और फिर शव को जंगल में फेंकाया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा से भूपेश प्रताप की ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस की गिरफ्त में दिख रही इस महिला ने सात फेरों के रिश्तों का गला घोट दिया। साथ जीने मरने की कसम खाने वाले अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये पूरा मामला दादरी थाना क्षेत्र का है, जहाँ 20 मई को दादरी मंडी के पीछे खेत में एक शव मिला था, जिसकी पहचान पवन के रूप में हुई थी। मृतक पवन रूपवास गांव का रहने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात में दर्ज किया और तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने जब इस घटना की गहनता से जांच की तो वो भी सन्न रह गई। पुलिस ने बताया, पवन की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी यतेंद्र से कराई थी। खेत में मिली थी, जिसका गला घोट कर हत्या कर दी गई थी। ये ब्लाइंड मर्डर था, इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। दो टीमें लगाई गई, लगातार दिन रात टीमें काम करती रहीं। इसमें यह प्रकाश में आया कि मृतक शराब पीने का आदी था और शराब पीकर अपने पत्नी के साथ मारपीट करता था। उसको बचाने के लिए यतेंद्र आता था। इसी बीच में यतेंद्र और मृतक की पत्नी पूजा के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ गईं और पूजा ने यतेंद्र से कहा कि इसको मार दो। इस आधार पर उसने घटना के दिन उसको खूब शराब पिलाई। मृतक जब शराब पी करके बेसुध हो गया, तब यतेंद्र ने तार से उसके गला को घोंट दिया और वहां से उसके मोबाइल और गाड़ी की चाबी को पानी में फेंक दिया। दरअसल पवन शराब पीने का आदी था, रोजाना शराब पीकर आता और पत्नी के साथ मारपीट करता था। पत्नी को बचाने के लिए पड़ोसी यतेंद्र आता था। लगातार आने से यतेंद्र और पूजा के बीच अवैध संबंध बन गए और वो एक दूसरे को चाहने लगे, जिसके बाद पत्नी ने पवन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और यतेंद्र से अपने पति को मारने के लिए बोला, जिसके बाद यतेंद्र ने मृतक पवन को 19 मई की रात्रि को घर से लेकर गया और जमकर शराब पिलाई, फिर बेसुध होने पर गला घोट कर उसे मौत के घाट उतार दिया और शव को खेत में फेंकाया। लेकिन पुलिस की दो टीमें इसमें लगी रहीं। पुलिस की जांच में मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी संलिप्त पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।